Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हुआ था जिसमें उसने पैसे मांगते हुए वीडियो की मांग की गई थी, जो पहले वाला था उस पर कार्रवाई भी हुई थी। ये तो पेड इम्प्लाई है। बिल्कुल जो आरोप है, ऐसा नहीं कि मैं 100% कह रहा हूँ कि इसको मैं जांच नहीं करूँगा। सिविल सर्विस आपको कह दिया गया है कि कड़ाई से जांच करिए, लेकिन हमने जो प्राथमिक तौर पे इसकी जांच की तो वो सच्चाई से थोड़ा दूर। तो इस पूरे मामले में अब तक जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम पीड़ित परिवार से अब तक मिली है क्या? पीड़ित परिवार से तो नहीं। अभी वीडियो वायरल हुआ था जो अभी मेरे संज्ञान में आया है। उस परिवार को तो बॉडी को लेकर तो थाना ही गया था ना परिवार को देने के लिए, तो प्रशासन तो वहाँ उपस्थित ही था। और जब ये वायरल वीडियो हो गया है तो मैं बिल्कुल गहनता से इसकी मैं जांच कर रहा हूँ कि अगर कोई भी दोषी होगा तो कार्रवाई होगी, बट मेरे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये आरोप सही है। क्या परिजन कोई पदाधिकारी से मिले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिले थे। मैं तो हूँ यहाँ पे 10 से 5, 6, 6:30 तक तो मैं बैठता ही हूँ, हॉस्पिटल बगल में है। CS साहब से भी कोई नहीं मिला, DPM से मेरी बात हुई, हेल्थ मैनेजर जो होते हैं उनसे मेरी बात हुई, तो बिल्कुल नहीं किसी ने संपर्क किया। तो मुझे पता नहीं ये वीडियो का क्या आशय था मुझसे। मेरे प्राइमरली जो अभी मैंने जांच किया है उसमें ये सत्यापित नहीं हुआ है, फिर भी मैं इसको गहनता से जांच करूंगा, तो बात सामने आई तो मैं जाँच करूँगा, लेकिन अभी तक के जाँच में ये प्रमाणित। ठीक है सर, ये परिजन जो भीख मांग रहा है और जिस जगह भीख मांगा जा रहा, जो वीडियो दिखाया गया उस जगह का जांच किया जाए? वो जगह समझ में नहीं आ रही कि वो है कहाँ का कोई, क्योंकि बॉडी तो थी हॉस्पिटल में, तो अगर कफन के लिए मांग रहे थे तो उसको हॉस्पिटल के आसपास होना चाहिए। हॉस्पिटल के आसपास कोई इस तरह का मोहल्ला नजर नहीं आ रहा, और वहाँ तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन कोई भी किसी से भी वो संपर्क करते तो इस तरह की बात तो हो ही नहीं सकती थी कि उनको कोई साक्षी बनना पड़ा। उसी घर एक थाना क्षेत्र में पाया छह तारीख को आते हैं और छह तारीख को उसी घर पुलिस शव लेके आती है, ये मैंने उसका पोस्टमार्टम करा दिया। तो पोस्टमार्टम उसका कर दिया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जो अनोन बॉडी थी उसके साथ मिले बहत्तर घंटा तक करके उसके पहचान तब तक हम लोग उसको प्रिजर्व करना है, और उसके बाद उसकी बॉडी वीडियोग्राफी करा के उसके परिजन यहाँ पर आए थे। ये 6 तारीख की घटना पोस्टमार्टम की 7 तारीख को उनको जानकारी दी, 7 तारीख को आई। तो हमारा जो कर्मचारी है बलेव करके तो पोस्टमार्टम यही करता है, तो डेड बॉडी उसी के चार्ज में था। तो नियम यही है कि अगर डेड बॉडी है तो जो रेस्पेक्टिव थाना है, जैसे यहाँ इस केस में उसी गली वाले, तो जो भी परिजन है जो क्लेम करते हैं कि ये मेरे परिजन है उसका डेड बॉडी है, उनको थाना में जाना पड़ता है और उसकी पहचान बतानी पड़ती है, उससे संबंधित कागजात भी दिखाने पड़ते हैं, और वो सब दिखाने के बाद जब थाना ये संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये जो शव है यही का है, यही का है, तब वो फिर अलाउ करने कि हाँ चेक कर डेड बॉडी है। सर, इस मामले में राशि मांगने का जो मामला आ रहा है उसमें क्या करना है? इस मामले में राशि मांगने का जो मामला है, इसमें जो वो कर्मचारी है उसको भी बुला के हमने पूछा, तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब वो डेड बॉडी लेने आए थे हमने सिर्फ यही कहा था कि आप जाइए इसका कागज पत्र बनाइए,
इससे पहले भी पीड़ित परिवार से क्या बात हुई है? पीड़ित परिवार से मेरी कोई बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि वो लोग वापस लौट गए क्योंकि कागज वगैरह लाना था हमको थाना में देने के। लेकिन उनका उनके जो प्रीत हैं उनका बताना था कि हम मुसीघाट थाने में गए थे, मुसीघाट थाना जो है हमें पोस्टमार्टम यहाँ समस्तीपुर सदर अस्पताल भेजा था, तो सबका शिनाख्त किया गया, तो हमने जो कर्मी था जो पोस्टमार्टम कर्मी उसने जो है उससे 50,000 रुपया मांगने की बात कही, तो उसने 2,000 देने की बात कही थी, फिर जो है उसने जो है चंदा मांग कर जो है गाँव में मांग के वो पैसा यहाँ पहुँचाने की बात कर रहा है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Vojo Story and support independent, robust journalism.